गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास फर्स्ट जी के, पेज नंबर 12 ऑप्शन। यहाँ से आपका यूनिट सेकेंड स्टार्ट हो रहा है। इंडिया के बारे में जितना भी चीज़ है, हमारे फ्लैग हो गया या हमारे नेशनल या फादर्स हो गए या सब कुछ डेज हो गए, नेशनल डेज, तो सब के बारे में इसमें आपको यूनिट टू में बताया जाएगा, जिसका नाम है यूनिट टू इंडिया आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि। ठीक है, फर्स्ट जो इसमें है लेसन 8, नाम क्या है इसमें, माय कंट्री। ठीक है, क्या है माय कंट्री, तो इसमें ए में जो सेक्शन है उसमें दे रखा है इंडिया इज आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री एंड लर्न मोर अबाउट हर। इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया जो है वो हमारी कंट्री है, हम सभी इंडिया को बहुत, मतलब अपनी कंट्री को बहुत लव करते हैं, मतलब प्यार करते हैं, और उसके बारे में बहुत और एंड लर्न या कुछ उसके बारे में लर्न एंड मोर अबाउट हर, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। नेम द फॉलोइंग, तो इसमें हम क्या रहा है, पहला है हमारा नेम द फॉलोइंग, सो व्हाट इज़ इट, इज़ द नेशनल एनिमल है ना, सो नंबर 1 नेशनल एनिमल, सो विच इज़ द नेशनल एनिमल, TIGER टाइगर, इट्स टाइगर, टाइगर हमारा क्या, हमने आपको अभी GK के क्वेश्चन में कराया था ना, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। नाउ नंबर 2, ठीक है, सो टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। अब नंबर 2 पे है अवर नेशनल बर्ड, विच इज़ द नेशनल बर्ड, हु इज़ अवर नेशनल बर्ड, नॉट विच, हु इज़ अवर नेशनल बर्ड, सो पिकॉक, यू नो द स्पेलिंग, आपने लर्न करी कि PECOCK पिकॉक, ओके। नाउ नेक्स्ट, थर्ड है अवर नेशनल फ्लैग, तो हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा है ना, इसको हम दो नाम से, कुछ लोग इसको तिरंगा भी कहते हैं क्योंकि तीन रंग का होता है, और इसको ट्री कलर भी कहते हैं, TRI ट्री कलर, क्योंकि ट्री का मतलब होता है तीन, और तीन रंग होते, सो पहला है तिरंगा, दोनों को स्पेलिंग आपको लर्न करें, TITRAN रंग, GA तिरंगा, फिर है ट्री कलर, TRI ट्री कलर की स्पेलिंग ऑलरेडी आप UKG में लर्न कर चुके हो, COLOUR कलर, तो ट्री कलर है ना, इजी स्पेलिंग। नेक्स्ट बी सेक्शन, राइट येस और नो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको येस एंड नो करना है, ठीक है, टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, येस टाइगर इज, यहाँ पर फर्स्ट में येस करिए, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, वी डू नॉट हैव अ व्हील, हमारे ऑन अ फ्लैग, नेशनल फ्लैग, ये कह रहा है हमारे नेशनल फ्लैग में व्हील, चक्र नहीं है, व्हील को क्या कहते हैं, गाड़ी में भी व्हील होते हैं ना, चक्र गोल गोल, तो चक्र नहीं है, नो इट्स अ रॉन्ग, ये तो चक्र है ना, अशोक चक्र है, तो यहाँ पर लिखेंगे NO, मतलब ये रॉन्ग है, जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, येस अवर नेशनल एंथम जन गण मन, हम लोग गाते हैं असेंबली में जन गण मन, तो लिखेंगे येस। नंबर 3 येस, नंबर 4 इंडिया इज सिचुएटेड इन एशिया, येस हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया, और एशिया के अंदर इंडिया रहे, ठीक है, तो येस करना है नंबर 4 पे, ठीक है। नंबर 5 पे अशोक चक्र इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, अशोक चक्र नहीं है, जो आपके फ्लैग में जो ये व्हील दिखता है ना चक्र, ये है अशोक स्तंभ है, हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अशोक स्तंभ है, तो ये हमारा रॉन्ग है, इसमें NO करिए, N है और ये O है, नो, ठीक है, तो फर्स्ट है येस, फिर नो, फिर येस, येस, नो, ओके। अब सेक्शन सी में, नेम द फॉलोइंग, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, DR मतलब होता है डॉक्टर, RA राजेंद्र, JEN जैन, DRA राजेंद्र, PRA SAD साद प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर, क्योंकि मिस्टर लगेगा जेंट्स है ना, RAM राम, NATH नाथ रामनाथ, CO को VIND विंद गोविंद, गोविंद नहीं है, GOVIND गोविंद नहीं है, मैं भी बता दूँ, गोविंद है, CO को
विंद वी आई एन डी विंद गोविंद. नंबर थर्ड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. एवरी वन नोज ना मिस्टर हर एच ए आर हर एच ए आर हर एल ए एल लाल जवाहरलाल एन ई नेह एन ई एच नेह आर यू नेहरू. नेक्स्ट नंबर फोर द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओ आप लोग बोलते नहीं थे योगी के सॉरी नरेंद्र मोदी के बारे में. पूरा नाम हमने सिखाया था ना मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी. ओके तो नरेंद्र एन ए आर ई एन डी आर ए नरेंद्र डी ए दा एम ओ मो डी ए आर दर डी ए एस दास दामोदर दास एम ओ डी आई मोदी. ओके तो ये क्लास का टॉपिक खत्म हुआ. आपको डेट मेंशन करनी है यहाँ पे सबसे पहले. सो डेट इज 2/6/2020. ओके सो हैव अ नाइस डे बी सेफ.